हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं रेनॉल्ड्स नंबर की। ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है फ्लूइड मैकेनिक्स में, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। रेनॉल्ड्स नंबर क्या है? रेनॉल्ड्स नंबर हेल्प्स अस टू फाइंड द टाइप ऑफ फ्लो, कि फ्लो कैसा है। लिक्विड मूव कर रहा है, ट्यूब में लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो हमारे पास हमें चेक करना है कि कैसा फ्लो है। तो बेसिकली तीन तरह के फ्लो होते हैं जो हमने पहले पढ़े थे, स्टेडी और स्ट्रीमलाइंड, फिर हमने बोला लैमिनार और टर्बुलेंट। स्ट्रीमलाइंड फ्लो क्या था? लिक्विड मूव कर रहा है, लिक्विड मूव कर रहा है, तो ये जो हमारे पास फ्लो ऑफ लिक्विड हम एक लाइन से डिनोट कर रहे हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइंड मतलब अगर कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है वहां पे जो फ्लूइड की वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी, थ्रू आउट कांस्टेंट नहीं होगी। जिस पोजीशन की बात कर रहे हैं उस पोजीशन पे कोई भी पार्टिकल मूव करके जाएगा तो सेम वेलोसिटी से जाएगा। मान लो यहाँ 5 meter per second, नेक्स्ट पे 10 meter per second, अगले पे 12 meter per second, तो यहाँ कोई भी पार्टिकल मूव करेगा 5 meter per second से, यहाँ जो मूव करेगा 10 meter per second से, यहाँ जो मूव करेगा 12 meter per second से। तो मीन्स जो फ्लूइड है उसकी जो वेलोसिटी इन पर्टिकुलर पोजीशंस पे होगी वो कैसी रहेगी? कॉन्स्टेंट रहेगी। ये था स्ट्रीमलाइंड फ्लो। लैमिनार मतलब लेयर्स में मूव करना, जो लिक्विड है वो फ्लो कर रहा है, कैसे फ्लो करेगा? लेयर्स में। लेयर्स जो है एक लेयर दूसरी लेयर पे स्लाइड ऑन कर रही है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? लैमिनार फ्लो। टर्बुलेंट मींस किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, पाथ में मूव कर सकता है, वो हमारे पास टर्बुलेंट है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल असेंबली में एक सिंगल रो मूव करके जा रही है, उसको बोलेंगे स्ट्रीमलाइंड। स्ट्रीमलाइन फ्लो से हर बच्चा अपनी डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, बट एक ही लाइन में है, वो जो हमारे पास फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो है। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो पे किसी भी पॉइंट पे अगर आपको वेलोसिटी बतानी हो, उसकी डायरेक्शन बतानी हो, तो वहां एक टेंजेंट प्लॉट कर दो। स्ट्रीमलाइन फ्लो, फ्लूइड वेलोसिटी कॉन्स्टेंट। लैमिनार मतलब तीन रोज जा रही है, तो लड़कियां हाथ पकड़ के जाती हैं, जैसे तीन, मान लो तीन रोज बनी है, तीनों ने अपने अपने हैंड्स फ्रेंड्स के साथ पकड़े हुए हैं, बट वो लेयर्स में मूव कर रहे हैं। तीन रोज मूव कर रही हैं, बट रेगुलर मूव कर रही हैं, एक स्मूथ पैटर्न है, उसको बोलते हैं लैमिनार फ्लो। तो तीन लेयर्स का मूव करके जाना। तो अगर हम ये लैमिनार फ्लो की बात करें और हम सर्फेस पे जितने भी वेलोसिटी वेक्टर्स हैं उनको एक सर्फेस पे नोट करें, तो ये हमारे पास जो डायरेक्शन को हम एक सर्फेस पे मेजर कर रहे हैं ये बन जाएगी उनकी वेलोसिटी प्रोफाइल। तो ये लैमिनार फ्लो है, रेगुलर है, स्मूथ है, लेयर्स में मूव करते हैं, एक लेयर दूसरी लेयर पे स्लाइड करती है, तो इसको बोला जाएगा हमारे पास लैमिनार फ्लो। अब यहाँ टर्बुलेंट, वो शैतान बच्चे कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में रैंडमली मूव करते हुए, टर्बुलेंट। तो टर्बुलेंट मीन्स हमारे पास ना ही डायरेक्शन कॉन्स्टेंट होगी ना ही पार्टिकल की वेलोसिटी कॉन्स्टेंट होगी, तो मीन्स वो टर्बुलेंट फ्लो होगा, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। टर्बुलेंट फ्लो थोड़ा ट्यूब के लिए थोड़ा सा हार्म क्रिएट कर सकता है, क्योंकि कितनी भी ज्यादा वेलोसिटी हो सकती है और कोई भी डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, तो ये हमारे पास बोला जाएगा टर्बुलेंट फ्लो। तो अगर हमें इन दोनों फ्लोज को चेक करना है कि कौन सा टाइप है हमारे पास, तो हम यूज करते हैं रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है जो कि हमें सिर्फ ये बताएगी कि कैसा फ्लो है, टर्बुलेंट है या लैमिनार है। मेजर करने के लिए हमने बोला हम एक ट्यूब कंसिडर करते हैं, जिस ट्यूब का क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने ए ले लिया, डेंसिटी जो लिक्विड मूव कर रहा है उसकी रो ले ली। अब किसी टाइम डेल्टा टी में मान लो हमारे पास जो लिक्विड मूव किया उसका जो मास था वो कितना था? डेल्टा एम था। टाइम डेल्टा टी में किसी ट्यूब में से कुछ मास ऑफ फ्लूइड मूव किया, तो डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, मास कैन बी रिटन एज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, फर्दर वॉल्यूम कैन बी रिटन एज एरिया इनटू लेंथ, एरिया इनटू लेंथ, एरिया इनटू लेंथ। अब लेंथ कैसे मेजर करेंगे? यहां जो लेंथ फाइंड करनी है उसको लिख सकते हैं स्पीड इनटू टाइम, तो वी डेल्टा टी। इस पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी थी? वी, तो वी इनटू डेल्टा टी। तो हमारे पास लेंथ कितनी आ गई? वी डेल्टा टी इनटू रो।
तो ये हमारे पास मास का फॉर्मूला बन गया, एरिया इंटू लेंथ की जगह आ गया ए बी डेल्टा टी साथ में रो। तो ये हमारे पास मास ऑफ लिक्विड है जो कि मूव कर रहा है इन टाइम डेल्टा टी। नेक्स्ट हमारे पास रेनॉल्ड्स नंबर फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला है, तो हमारे पास दो फोर्सेस हैं, इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स। हमने पढ़ी है विस्कस फोर्स की फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया और वेलोसिटी ग्रेडियंट के जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो हम बोलते थे प्रोपोर्शनैलिटी रिमूव करते हैं ईटा ए, वेलोसिटी ग्रेडियंट विल बी वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड मूविंग इन द ट्यूब डिवाइडेड बाय द डायामीटर ऑफ द ट्यूब। हम बोलते थे जब वेलोसिटी ऐसे मूव करेगी तो उसके जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो वेलोसिटी है फ्लूइड की इस तरफ, उसके जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है डी डायामीटर ऑफ द ट्यूब। तो ये हमारे पास क्या हो गया, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो ये विस्कस फोर्स आई। सिमिलरली इनर्शिया फोर्स यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। डेल्टा टी टाइम में कितना मास मूव किया, डेल्टा एम। फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मींस रेट के आगे जो भी लिखा है उसको टाइम से डिवाइड करो। रेट के आगे क्या लिखा है, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। वैल्यू पुट कर दी इनर्शिया फोर्स विस्कस फोर्स, इनर्शिया फोर्स विस्कस फोर्स। अब यहाँ डेल्टा एम की वैल्यू जो हमारे पास हमने निकाली उसको पुट कर देते हैं। तो जैसे ही डेल्टा एम पुट करेंगे, ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो जो वैल्यूज हैं वो कैंसिल हो गई, हमारे पास एक्सप्रेशन रह जाएगा रो वी डी अपॉन ईटा। रो वी डी अपॉन ईटा इज द रेनॉल्ड्स नंबर। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, वेलोसिटी वी जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा था लिक्विड, डी क्या था डायामीटर ऑफ द ट्यूब, ईटा इज कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी। डेंसिटी, वेलोसिटी और डायामीटर एंड कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी, ये चार चीजों से हमारे पास बना रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। अगर हम इसकी वैल्यू पे जाएं तो अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू जो है वो लेस देन 2000 होती है तो फ्लो कैसा बोला जाता है, लामिनार फ्लो। तो मींस लेस देन 2000 मींस हमारे पास जो फ्लो होगा वो कैसा होगा, लामिनार होगा। लेयर्स में मूव करेंगे, एक लेयर दूसरी लेयर पे स्लाइड करेगी, स्मूथ फ्लो होगा या रेगुलर फ्लो होगा। सपोज कैंडल फ्लेम की बात करते हैं तो अगर वो स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रहा है तो मींस वो हमारे पास क्या है, लामिनार। अगर वो ऐसे हर डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो मींस वो कैसा बन जाएगा, टर्बुलेंट फ्लो बन जाएगा। तो ऐसे वाला स्ट्रेट लेयर्स वाला लामिनार और इधर उधर भटकता हुआ वो हमारे पास क्या होगा, टर्बुलेंट होगा। तो लेस देन 2000 मींस स्ट्रीमलाइन लामिनार, ग्रेटर देन 3000 मींस टर्बुलेंट। अब मिड रेंज रह गई 2000 टू 3000 वाली, इसको ना अनस्टेबल स्टेट बोला जाता है। अनस्टेबल स्टेट क्यों, क्योंकि यहाँ ट्रांजिशन होता है लामिनार टू टर्बुलेंट का। यहाँ जो पार्टिकल्स हैं वो धीरे 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 धीरे, जो अच्छे बच्चे थे वो धीरे 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 शैतान बन रहे हैं, तो शैतानियों में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो लामिनार किसमें जा रहा है हमारे पास, टर्बुलेंट में। तो वो स्टेट है अनस्टेबल स्टेट जिसमें ट्रांजिशन होगा। बाय।